हिमाचल स्टेट पीसीएस, एंड इन हिमाचल स्टेट पीसीएस वी विल डिस्कस अबाउट द हिमाचल जीके, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द अवर हिस्ट्री एज वेल एज द आर्ट एंड कल्चर एंड जियोग्राफी. Hello students, how's you? I hope you all are well, and my name is Nisha and I am here to bring you a new series that is related to the Himachal State PCS. And in Himachal State PCS we will discuss about the Himachal GK, in which we will discuss about the our history as well as the art and culture and geography. So today in this lecture we will cover up the art and culture, in which first lecture that is related to the paintings of the Himachal, and in this paintings of the Himachal that is related to the Pahari school of the paintings. Pahari school of paintings was very popularized among the sub Himalayan state, that is in the northern state, in the hilly state, and this was the finest gift to the all over the world. Jo Pahari school painting tha wo finest gift tha to the world ke liye. तो हम आज उसके ही बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चौर पंचिका. चौर पंचिका वाज नथिंग, चौर पंचिका इज लाइक अ पोइट्री, इट इज रिलेटेड टू अ पोइट्री. यू कैन से इट इज अ ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ट्रेडिशनल, एंड दैट इज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द वेस्ट. सो जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग थे, फॉर एग्जाम्पल योर बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो हम जर्नल साइंस जर्नल में भी पढ़ते हैं हम जीके में, एज वेल एज दी हमारे जो अदर पेंटिंग्स थी, गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो ये सब क्या थी, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग थी. जो किस से इन्फ्लुएंस थी, दैट इज दी चौर पंचिका. चौर पंचिका, यू कैन से इट इज एज अ लिटरेचर, एंड दिस इनमें जो पिक्चर थी, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल और वेस्टर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड थी. नेक्स्ट, जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो किस टाइम पे जो थी फ्लरिश हुई, या नॉर्मल जो हमारी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं वेस्टर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो हमारा फ्लरिश, दैट इज द जैन युग. तो जो हमारी जैनियत थी, दैट इज इन द पीरियड ऑफ द जहांगीर. अब काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑर्डर ऑफ मुगल्स का, जो हमारे राजा थे उनका ऑर्डर याद रखने में भी डिफिकल्टी होती है. सो वी कैन रिमेम्बर इट एज अ भरसा. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड दी औरंगजेब. सो यू कैन रिमेंबर दीज ऑल मुगल एम्परर्स एज इन दिस फॉर्म, दैट इज दी भजसा. सो जो फ्लरिश हुआ पेंटिंग्स का, वो किसके टाइम से फ्लरिश हुआ, दैट इज फ्रॉम दी जहांगीर. अब जो डिक्लाइन हुआ पेंटिंग का, वो किस टाइम पे हुआ, वो पेंटिंग का डिक्लाइन हुआ, दैट इज इन द पीरियड ऑफ द औरंगजेब, इन द 18th औरंगजेब, बिकॉज उस टाइम पे देयर वर लॉट ऑफ इन्वेजिनेशन इन द इंडिया. यस, तो जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग थी, जो इसकी इंस्पिरेशन थी, वो कहाँ से ली गई थी, दैट इज रिलेटेड टू दी वैष्णवा कल्ट. वैष्णवा कल्ट दैट जो किसको मानते हैं, विष्णु भगवान को, दैट इज द फॉलोअर ऑफ द विष्णु लॉर्ड. एंड क्या क्या थीम्स थी पहाड़ी पेंटिंग्स में, जो पहाड़ी पेंटिंग्स में थीम्स थी, किसमें क्या क्या दर्शाया गया था, तो इसमें क्या शो किया था लाइफ स्टाइल ऑफ दी सोसाइटी, की सोसाइटी का कैसा लाइफ स्टाइल है, उसको पेंटिंग्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था. और जो मेन थिंग थी, दैट इज दी गॉड कृष्णा की जितनी भी रासलीला थी, जितनी भी गोपियों के साथ उनकी रासलीला थी, उनमें उनको रिप्रेजेंट किया गया था, एज वेल एज दी कि जो
गॉड कृष्णा की पेंटिंग थी, उसमें बहुत सारी ग्रीनरी रिप्रेजेंट करी थी और क्लस्टर्स ऑफ दी हॉर्सेस एज वेल एज दी, ये सब उसमें क्या किया गया था, रिप्रेजेंट किया गया था. नाउ इन पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स वी हैव डिफरेंट पेंटिंग्स एज, क्योंकि जो हमारा पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग थे उसमें क्या था, जो हमारे स्टेट्स थे, सो वन वॉज दी हिमाचल एंड वन वॉज दी उत्तरांचल. सो ये सब क्या थे, हिली स्टेट थे. उस टाइम पे कोई भी हमारा लग से उत्तरांचल नहीं हो करता था, कोई भी उत्तराखंड नहीं हो करता था, कोई भी हिमाचल नहीं हो करता था, ऑल वॉज दी हिली स्टेट. और जो दिस हिली स्टेट्स वर डिवाइडेड इनटू दी स्मॉल स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज थी. व्हेन वी टॉक अबाउट इन दी हिमाचल, सो वी हैव 46 स्मॉल स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज. ये सब छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज, उसमें ही सब क्या राज करते थे, सबका अलग अलग राजा हुआ करता था. तो उसमें जो हमारी पेंटिंग्स थी, फर्स्ट वी हैव दी गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग, अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग, बिलासपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, कुल्लू स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग. नाउ द क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, विच इज द मोस्ट रिसेंट मोस्ट ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग इन द पहाड़ी स्कूल. सो बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज द ओल्डेस्ट. इट इज कि जो प्री मुगल पीरियड से भी है, प्री मुगल पीरियड. एंड गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग मींस गुलेर इज अ रीजन इन दी कांगड़ा, एंड अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग दैट इज इन दी सोलन. बिकॉज देर आर सम नेम्स दैट यू माइट हर्ड और नॉट, बट आर तो आपने सुना ही होगा, बिकॉज इफ यू आर फ्रॉम हिमाचल एंड यू आर स्टडिंग दी हिमाचल हिस्ट्री, सो कांगड़ा, yes, Kangra is also a district, Chamba is also a district, Bilaspur is also a district, Kullu is also a district, and Basoli that is in the Jammu and Kashmir. So firstly we will discuss about the Guler school of painting. So the Guler school of painting, see, that is the pre-colonial hill state. Jo Guler tha wo pre-colonial hill state tha, aur jo Guler school of painting thi wo kiske time pe found ki gayi, that is in the found एट द टाइम ऑफ दी राजा हरिचंद. उस टाइम पे जो गुलेर का राजा था उसका क्या नाम था, दैट इज दी राजा हरिचंद, इन द ईयर ऑफ दी 1415. और वो किसका डिसेंडेंट था, ही वॉज दी डिसेंडेंट ऑफ दी रॉयल फैमिली. चियोन का क्या मतलब है, दैट इज दी डिसेंडेंट. एज वेल एज दी जो कांगड़ा की पेंटिंग्स का बर्थ हुआ वो किसके टाइम पे हुआ, दैट इज इन द टाइम ऑफ दी गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग. और कि जो हमारी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग आई वो कहाँ से आई, गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग से ही उसका ओरिजिनेट हुआ. और जो बर्थ हुआ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का, इन दी 18th century 18वीं ईस्वी में कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का ओरिजिन हुआ. कब, व्हेन दी फैमिली ऑफ द कश्मीर पेंटर्स, व्हेन द फैमिली ऑफ द कश्मीर पेंटर्स केम इन टू दी, then they were trained into the Mughal painting and they took shelter into the court of the Raja Dilip Singh. Raja Dilip Singh was also the Raja of the Guler. ये भी क्या थे, राजा गुलेर के राजा थे. तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमारी बर्थ हुआ किसका, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का बर्थ हुआ इन दी 18th century में, जब कश्मीर फैमिली जो थी वो ट्रेन थी किसे, मुगल स्टाइल से. और उन्होंने अपना शेल्टर लिया किस किसके, इन द कोर्ट ऑफ द राजा दिलीप सिंह. सो जो गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग थी राइज इन द अर्ली फेस ऑफ द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, कि पहले हमारी गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग आई, उससे ही हमारी क्या हुआ, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का ओरिजिन हुआ. अब जो हमारा राजा दिलीप चंद सिंह थे, ड्यूरिंग द राजा दिलीप चंद आर्टिस्ट वर्किंग एट दी हरिपुर गुलेर. जो हमारे राजा दिलीप चंद सिंह के टाइम पे जो सारे जो आर्टिस्ट काम कर रहे थे वो कहाँ पे काम कर रहे थे, हरिपुर गुलेर में काम कर रहे थे. सो दैट वी कॉल इट एज अ हरिपुर गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग. और किसके रीजन ऑफ द गोवर्धन चंद, जो किसके काल में, गोवर्धन चंद इन द ईयर ऑफ दी 1743 to 1733 एक्टिव स्कूल ऑफ पेंटिंग डिवेलप एट दी हरिपुर गुलेर. कि जो
गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो है फ्लरिश करी, किसके टाइम पे फ्लरिश करी, दैट इज दी गोवर्धन चंद के टाइम पे जो ये जो थी गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्लरिश करी। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन दी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। यस, और जो आपका हिमाचल जीके है दैट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जितने भी हिमाचल के एग्जाम है, इफ यू आर गिविंग फॉर दी PGT लेक्चरर के लिए एग्जाम दे रहे हो तो हमेशा जो हिमाचल का पोर्शन है वो 30% रहता ही रहता है। यस, सो फर्स्ट दैट इज दी गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग एट द टाइम ऑफ द राजा हरिचंद। सो दिस वॉज द मोस्ट एंशियंट टाइम्स एंड जो आर्टिस्ट थे दैट वॉज ट्रेंड इन दी मुगल पीरियड इन द पैटर्नेज ऑफ द किंगडम ऑफ द गुलेर। एंड जो कलर्स थे, जो पैलेट कंटेन थी, दे कंटेन्स द कलर ऑफ द डाउन्स मीन्स लाइक अ रेनबो। एंड इसमें जो पेंटिंग्स थी उसमें जो ब्लू और ग्रीन कलर को बहुत स्मूथली उन्होंने क्या किया था, फिनिश किया था, एज वेल एज दी डिक्लाइन क्यों हुआ, बिकॉज बहुत सारे पॉलिटिकल कंडीशंस थी जिनकी वजह से क्या हुआ, ये डिक्लाइन हुआ कि देर वॉज अ इंटरफेरेंस ऑफ द अदर स्टेट्स ऑल्सो इन दी गुलेर। सो यू कैन सी दिस इज दी गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग। नाउ लेट्स मूव टू दी कि कौन कौन से आर्टिस्ट रहे, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन दी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। सो वी हैव वन पंडित सेव, एक कोई थे पंडित सेव, उसके गुलेर के उसके दो बेटे थे, दैट इज दी टू सन्स, हैविंग टू सन्स, वन इज दी मानक एंड वन इज दी नैन सुख। नैन सुख एंड मानक, नाउ नैन सुख और मानक जो कहां पे उन्होंने काम किया, हरिपुर फोर्ट में, हरिपुर में ही उन्होंने अपना काम किया इन दी गुलेर। एज वेल एज दी जो नैन सुख थे, नैन सुख के चार बेटे थे और मानक के कितने बेटे थे, दो बेटे थे, कुशाला एंड फतू, दैट वाज दी इंपॉर्टेंट पेंटर्स। एंड नैन सुख के दैट इज दी कामा गोदू एंड रांझा एंड निका। गोंदू ने जो काम किया राजा संसार चंद के लिए, राजा संसार चंद के लिए, एज वेल एज दी कुशाला, कुशाला का अदर नेम था किशनलाल, किशनलाल। इनकी भी बहुत सारी पेंटिंग्स थी जिसको हम आगे देखेंगे। तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग सेकंड है। सो जो इसका बर्थ हुआ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग द एट द टाइम ऑफ द राजा गोवर्धन चंद। राजा गोवर्धन चंद कहाँ के राजा थे, गुलेर के राजा थे, इन द ईयर ऑफ द 1774 में। और जो जेनिथ मींस फ्लरिश करी एट द टाइम ऑफ द राजा संसार चंद, राजा संसार चंद दैट वॉज द राजा ऑफ द कांगड़ा, जो उनका जो लेटर ही वॉज शिफ्टेड टू द नादौन। एंड मेन करेक्टर क्या थे जो उन्होंने अपनी पेंटिंग में रिप्रेजेंट किए, सो देर वॉज लॉट ऑफ डेलिकेट लाइन्स, चार्म्स ऑफ बहुत अच्छे कलर्स, बहुत चार्म फ्लरिश कलर को यूज किया, एंड ऑर्नामेंटेशन ऑफ द प्लांट्स, बहुत सारी ग्रीनरीज को रिप्रेजेंट किया ओवर। और क्या स्ट्राइकिंग फीचर्स थे, दैट इज द वाइब्रेंट ग्रीनरी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। ड्राइविंग फोर्स क्या थी, दैट इज द भक्ति कल्ट, कि जितने भी लॉर्ड विष्णु लाइक कृष्ण भगवान को रिप्रेजेंट किया। और जो हमारे राजा संसार चंद थे, राजा संसार चंद जो थे कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो दैट्स वाई उन्होंने मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स जो राधा कृष्णा के ऊपर क्या करी थी, रिप्रेजेंट करी थी। तो सेंट्रल थीम क्या थी, लॉर्ड कृष्णा एंड बिलव्ड राधा, बिकॉज महाराजा संसार चंद वाजा डिवोटी ऑफ किसके थे, श्री कृष्णा के डिवोटी थे। यस, और लेटर ही वॉज शिफ्टेड टू दी दैट इज दी टीरा, दैट इज दी सुजानपुर टीरा। नाउ अलोंग विद दिस दे ऑल्सो यूज दी वेजिटेबल एंड दी एक्सट्रैक्ट ऑफ दी मिनरल दैट इज यूज इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ दी कलर्स, कि जो उन्होंने कलर्स बनाए वो कलर किससे बनाए, दैट इज दी वेजिटेबल से और एक्सट्रैक्ट ऑफ दी मिनरल से। और कौन कौन से उसकी उनकी जो
कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, वो कौन कौन सी फेमस पेंटिंग है, कौन कौन सी उसकी थीम्स थी. सो देवर भगवता पुराणा एज वेल एज दी गीता पुराणा, नला दमयंती, बिहारी सत्ताई, रंगमला एंड दी बारा माता. सो दीज वर दी इम्पॉर्टेंट फॉर दी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या क्या थीम थी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की. पहली हमारे पास क्या थी, भगवता पुराणा, गीता गोविंदा, नला दमयंती, बिहारी ससाई, रंगमला एज वेल एज दी बारा मासा. और जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के जो फेमस आर्टिस्ट थे वो कौन कौन से थे, पत्तू पुरकू एंड कुशाला वर दी इम्पॉर्टेंट पेंटर्स ऑफ दी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग एज वेल एज दी. जब इसका डिक्लाइन कब शुरू हुआ, जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स थी वो कब डिक्लाइन होना शुरू की, जब गोरखा ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, ऑन दी फोर्ट ऑफ दी कांगड़ा फोर्ट, एंड राजा संसार चंद को वहाँ से जाना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा एट दी पैलेस दैट इज दी टीरा सुजानपुर टीरा दैट इज इन दी हमीरपुर. नेक्स्ट, सो दिस इज दी भक्तता पुराना जिसमें कालिया नाग को रिप्रेजेंट किया गया है. लॉट ऑफ ग्रीनरी, लॉट ऑफ कलर्स, वाइब्रेंट ग्रीनरी आप रिप्रेजेंट कर सकते यहाँ पे देख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो अ लॉर्ड कृष्णा, द थीम यू कैन सी लॉर्ड कृष्णा एंड हर हिज बिलव्ड राधा एंड अदर दी रास लीला ऑफ द गोपियास. यस, सो नाउअडेज हाउ जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है वो अभी तक भी क्या है, मतलब प्रिजर्व्ड है कैसे, क्योंकि जो कांगड़ा आर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी है एक टाइप से एनजीओ है, वो कहाँ पे रन करी जा रही है, दैट इज इन दी धर्मशाला हिमाचल में, और वो वर्क कर रही है किसके प्रमोशन ऑफ दिस आर्ट दैट इज दी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग. तो बहुत सारे जो लोग हैं जो पेंटिंग सीखना चाहते हैं, सो दे कैन go and there and they can learn the Kangra School of Painting, but it take lot of time to learn because jo un Kangra School of Painting ki ye specialty ki bahut zyada vibrant colors as well as the ki bahut zyada brief in detailing karni padti hai us cheez pe, as well as the this NGO is also रनिंग अ स्कूल, एक स्कूल चला रहा है जिसमें यंग बॉयज और गर्ल्स को क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है. और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी मिल चुका है, जीआई टैग भी मिल चुका है. जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या मतलब है कि ऐसी चीज जो काफ़ी टाइम से पॉपुलर हो, जैसे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो बहुत सारे टाइम से पॉपुलर है, तो जीआई टैग जो है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को दिया जा चुका है, एज वेल एज दी जो पेपर यूज किया जाता है इन फॉर्मिंग दी पेंटिंग्स ऑफ दी कांगड़ा स्कूल दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम दी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी पाइन नीडल्स, जो पाइन की नीडल होती है उससे प्रिपेयर किया जाता है. और जो ब्रश है, ब्रश भी किससे प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम दी एनिमल्स, एक है हेयर ऑफ दी टर्टल डो बर्ड. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन दी एग्जामिनेशन कि हेयर ऑफ दी टर्टल डो से उसको ड्राइव किया जाता है जो माइग्रेट करता है वैलीज में इन दी समर में. और ये जो पेंटिंग है 19 नेचुरल कलर्स में ड्रॉ की जाती है. अलोंग विद दिस पेंटिंग्स को पेंटिंग में गोल्ड भी यूज किया जाता है जो कि उसको क्या करेगा, नेचुरल शाइन प्रोवाइड करेगा. अदर यूनिक फीचर क्या है कि पेंटिंग्स खराब ना हो उसके लिए नेचुरल पॉइजन दिया जाता है ताकि पेंटिंग डिके ना हो. एंड पॉइजन को कैसे बनाया जाता है, पॉइजन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी स्मोक, जो कहाँ उसको गैदर करते हैं, ऑन दी रूफ ऑफ दी रिलीजियस पैलेस वेयर द होली फायर बर्न्स कंटिन्यूअसली. नेक्स्ट दैट इज दी चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग. सो चंबा स्कूल दैट इज दी चंबा इज अ डिस्ट्रिक्ट एंड एस उस टाइम पे भी क्या था, एंशियंट टाइम पे भी क्या था, ये एक से थी प्रिंसिपैलिटी थी. सो चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो फेमस पेंटर्स थे दैट हमने देखे, जो गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग में भी हमने पढ़े, निक्का मियान, धारा सिंह, दुर्गा लहरू, और ये सब कहाँ से आए थे, ये आए थे गुजरात से. अदर जो फेमस पेंटर्स थे दैट इज फ्रॉम दी कुलकल की परशुराम, जो क्या थे, अदर फेमस पेंटर्स थे. और जो थीम क्या थी चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग की, सेम एज दी कि राधा कृष्णा,
शिवा पार्वती, राम दरबार, यशोदा, कृष्णा एंड रोमांटिक एम्बियंसेस को उसमें रिप्रेजेंट किया गया था। चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स वाज चंबा एंड कांगड़ा दे आर लिटिल बिट की जो क्या है, जैसे चंबा यहाँ पे है तो कांगड़ा उसके ही साइड नीचे है, तो इन्फ्लुएंस एक दूसरे का रहेगा ही रहेगा। और जो पेट्रोनेज अंडर किसके अंडर किए गई थी, राजा पृथ्वी सिंह के अंदर, जो राजा पृथ्वी सिंह ने पैलेस बनाया था इंदी भरमौर में। और किसके टाइम पे फ्लरिश की गई थी, राजा उधार सिंह के टाइम पे क्या की गई थी, फ्लरिश की थी। और राजा राज सिंह के बेटे दैट इज दी जीत सिंह के टाइम पे अंडर पेंटर कौन थे, मरकू छज्जू वॉज दी पेंटर। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सकते हैं कि जीत सिंह के टाइम पे कौन कौन से हमारे फेमस पेंटर थे, मरकू एंड दी छज्जू वर दी मोस्ट आर्टिस्ट एट द टाइम। और जो पेंटिंग्स किसके ऊपर थी और भी, नायक नायिका एंड दी बारह मासा, तो पेंटिंग्स थी मेन पेंटिंग्स थी नायक नायिका थी और बारह मासा। अब जो रिवाइवल हुआ इन पेंटिंग्स का एट द टाइम ऑफ दी भूरी सिंह, अब जो भूरी सिंह है भूरी सिंह के टाइम पर रिवाइवल हुआ, तो भूरी सिंह ने बहुत ज़्यादा फोकस किया इनके ऊपर। सो भूरी सिंह देर इज अ म्यूजियम ऑन दी भूरी सिंह म्यूजियम, जिसमें जो है सारी पेंटिंग्स को क्या किया गया है, डिस्प्ले किया गया था इन द अंडर दी म्यूजियम। सो इन दिस वेन एवर यू गो इन अ चंबा सो यू कैन विजिट दिस प्लेस दैट इज दी भूरी सिंह म्यूजियम। अब हमारे पास आता है अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग। अर्की का क्या मतलब है, सनी डे, और अर्की दैट इज इन दी सोलन। सो जो अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स थी जो किससे इन्फ्लुएंस्ड हुई थी, बसोली स्कूल ऑफ दी पेंटिंग। एंड लेटर अर्की स्कूल ने पहले बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग को अडॉप्ट किया कि हम पहले बसोली स्कूल की तरह हम पेंटिंग्स करेंगे। अब धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या किया, लेटर दे अडॉप्टेड दी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की तरह उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को ड्रॉ करना शुरू किया। अब जो अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग थी किसने इसको फाउंड किया, दैट इज दी राजा सवा चंद ने इसको क्या किया था, फाउंड किया था। एंड अंडर दी बसोली कलम, जो अंडर दी बसोली कलम अंडर राजा मेहर चंद, राजा भूप चंद वो क्या थे, जब बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग को उन्होंने अडॉप्ट किया उस टाइम पे हमारे कौन कौन से राजा, राजा मेहर चंद थे और राजा भूपचंद थे। पेंटिंग्स कौन कौन सी थी, शिवा पार्वती, कृष्णा लेगेंड, नायक नायिका एज वेल एज दी रास कृपया ऑफ दी केशव नंदा वॉज दी पेंटिंग ऑफ दी अर्की स्कूल ऑफ दी पेंटिंग्स। पर मोस्ट ऑफ द टाइम इन द एग्जामिनेशन आई हैव सीन कि दे मोस्टली आस्क अबाउट दी गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग, चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड दी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, बट वी हैव टू स्टडी ऑल दी स्कूल ऑफ दी पेंटिंग्स। और जो फ्लरिश की गई थी वो किसके टाइम पे फ्लरिश की गई थी, जगत सिंह, शरण सिंह, कृष्ण सिंह ऑफ दी भागल एज वेल एज दी जो फेमस पेंटर्स थे कौन कौन से थे, फत्तू और हस्तू क्या थे, दोनों फेमस पेंटर्स थे। अब बिलासपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग क्या है, बिलासपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग किसके टाइम पे फ्लरिश की गई, दैट इज अंडर दी देवी चंद इन द ईयर ऑफ दी 1771 और टू 1778। और पेंटिंग किसके कौन कौन सी पेंटिंग है, भगवता पुराणा, रामायणा एज वेल एज दी रंगमाला वॉज दी फेमस पेंटिंग इन दी बिलासपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब ये जो पेंटिंग थे किसके से इन्फ्लुएंस थी, दैट इज इन्फ्लुएंस फ्रॉम दी मुगल्स एंड दी चद्देल्स। अब आगे आती है हमारी कुल्लू स्कूल ऑफ पेंटिंग। जो कुल्लू स्कूल ऑफ पेंटिंग है, कुल्लू इज लोकेटेड इन दी हिली एरिया, मोर हिली एरिया दैट इज इन दी इनर हिमालयस दैट इज इन दी, सो दीज वर इंस्पायर्ड फ्रॉम दी लोकल ट्रेडिशन। और जो फेमस पेंटिंग्स थी दैट इज इन दी शांगरी एज इन दी रामायणा, क्योंकि जो ये पेंटिंग्स थी वो लोकल ट्रेडिशन से ही फेमस थी, तो उनके जो मोस्ट दैट इज दी शांगरी पैलेस एंड दी रामायणा। शांगरी इज दी प्लेस इन दी हिमाचल ऑल्सो। पेंटर्स कौन कौन से, भजवान एंड दी संजू वर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटर्स ऑफ दी कुल्लू स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब लास्ट वी हैव दी बसोली स्कूल ऑफ दी पेंटिंग। तो जो बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है अर्लीस्ट नाउन पेंटिंग इन दी हिली एरिया इन दी हिमाचल्स, इन हिमाचल एज वेल एज दी उत्तराखंड रीजन्स। एंड प्रोमिनेंस टाइम क्या था कि किसके टाइम पे थी, राजा कृपाल के टाइम पे ऑफ दी बसोली दैट इज इन दी ईयर ऑफ 1678 टू 94। और जो सेंट्रल इंस्पिरेशन क्या थी, ये किससे इंस्पायर्ड थे, तो ये भी इंस्पायर्ड थे दैट इज इन दी वैष्णिज्म। वैष्णव मीन्स दैट इज
followers of the Vishnu. Vishnu and his avatar, that is the incarnation, that is the Lord Krishna, predominates, and the Nayak-Nayika pictures show intensity of the love. कि जितनी भी पेंटिंग्स है बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग में उसने विष्णु एज वेल एज दी लॉर्ड कृष्णा एज वेल एज राधा एंड दी नायक नायिका को क्या किया गया था, रिप्रेजेंट किया गया था. और जो कलर्स रिप्रेजेंट किए गए थे दैट हैव बीन यूज्ड सिंबलिकली, दैट इज द रेड फॉर द लव के लिए यूज किया गया था, येल्लो फॉर द स्प्रिंग के लिए यूज किया गया था, ब्लू फॉर द फर्टाइल रेन के लिए यूज किया गया था. और जो बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स वॉज इज पॉसिबली ऑफ द प्री मुगल ओरिजिन. प्री कहाँ से ओरिजिन हुई थी, दैट इज द प्री मुगल ओरिजिन था. एंड सो कॉल्ड दी तिवेती पिक्चर्स. तिवेती पिक्चर्स इज नथिंग बट लेट प्रोडक्शन ऑफ दिस स्कूल. सो दिस इज ऑल इन द हिमाचल, यू कैन से पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, दैट इज द पेंटिंग ऑफ द हिमाचल. एंड वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज ऑल्सो इन द नेक्स्ट. सो थैंक यू एंड हैव नाइस डे.